भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि 100 दिन का यह कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमने एक बात कही कि बदले की भावना से काम नहीं करना, नहीं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से ऐसा एक दौर चला था और उस दौर में शुरुआत इन्हीं चीजों से होती थी, एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करना, एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आदेश करना। और उस दृष्टि से हमने एक बात तय की कि जहां आवश्यक होगा वहां जरूर कार्यवाही करेंगे और जो कार्यवाही करेंगे वो ठोस कार्यवाही करेंगे, सिर्फ राजनीति मकसद की दृष्टि से नहीं, राजनीति की प्रतिशोध की भावना के साथ नहीं। और इसलिए हमने अपना पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और अपना पूरा समय पूरी एनर्जी जो है वो हिमाचल के काम के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित की है। अभी हमारा बजट सत्र समाप्त हुआ कुछ दिन पहले और जिस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 20 बजट में पिछले 20 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा 20 बजट मैंने जिनका मैं प्रत्यक्ष रूप से चश्मदीद हूँ, उन बजट में मैंने अपनी बात भी कही, डिस्कशन जब होती थी उसमें पार्टिसिपेशन, और 21वां बजट जो है मुख्यमंत्री क्योंकि वित्त विभाग मेरे पास है उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, आज से पहले जितने भी हमारे नेता रहे हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आम तौर पर हिमाचल प्रदेश में बजट जब होता था उसमें नई योजनाएं, दो योजनाएं, तीन योजनाएं ऐसी होती थी, लेकिन अब की बार हिमाचल प्रदेश में हमने जब बजट पेश किया एक साथ 30 योजनाएं नए बजट प्रोविजन के साथ, नए नाम के साथ हमने शुरुआत की, यानी कि हट करके, लीक से हट करके छोटे छोटे काम इसमें शामिल किए, लेकिन उसके बावजूद एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश को देने की कोशिश की। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि हम काफी हद तक जो है जो नई योजनाएं उनकी सब जगह हिमाचल प्रदेश में चर्चा हुई और मीडिया जगत में भी बहुत अच्छा उस पर जो है प्रतिक्रिया रही है, उसके लिए मैं मीडिया जगत का भी धन्यवाद हूँ। छोटे छोटे इनिशिएटिव जैसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग, ये पहली सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हमारे किस सेक्शन के लिए, समाज के किस वर्ग के लिए समर्पित होनी चाहिए, तो मुझे ख्याल आया कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनको जो पेंशन लगती है 80 साल की उम्र के बाद जो है पेंशन का ऐसा प्रावधान है जिसमें आय सीमा में छूट दे दिया गया है। हमने कहा कि 80 साल के बाद जिंदा कितने रहते हैं, 80 साल के बाद पेंशन की एप्लीकेशन देने के लिए इस योग्य कितने रहते हैं जो पेंशन देने के लिए एप्लीकेशन बना करके वहां पर जमा कर सके। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि इस उम्र को घटा करके जो हमने इसको 80 साल से उम्र 70 साल कर दी और 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का हकदार बनाया, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और उस पेंशन के अंतर्गत जो है 200 करोड़ रुपए का लाभ जो है हमने उन बुजुर्गों को एक श्रद्धा का भाव समर्पित करते हुए उनको ये एक अवसर दिया, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमको एक संतोष है। दूसरा, हमने हिमाचल प्रदेश में एक बहुत एक कल्चर बन गया था, हर आदमी एक्सटेंशन पर, हर अधिकारी एक्सटेंशन पर, क्योंकि नेता के पास जाकर के हाजिरी लगा करके काम करने की आवश्यकता नहीं। हजारों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर, एक तरफ बहुत बड़ी बेरोजगारी की फौज खड़ी है, एक तरफ जो है
कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, एक शेड के लोगों को, एक तरह जो नजीक किसी नेता के हैं, विशेष के हैं, उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। हमने पहले कैबिनेट में निर्णय किया कि एक्सटेंशन समाप्त की जाती है। ठीक है, एक आदमी, दो आदमी, दस आदमी, बीस आदमी चल सकता है, लेकिन हजारों की तादाद में ये संभव नहीं है। तो इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में हमने कमिटमेंट की थी चुनाव से पहले कि रिटायर्ड और टायर्ड लोगों की सरकार नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत एनर्जेटिक 23 विधायक नए चुनकर के आए हैं, 68 में से 23 विधायक बिल्कुल नए यंग चुनकर के आए हैं। और ऐसी सूरत में जो आप 23 विधायकों में से 18 हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारी कुल तादाद हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स है, 68 में से 44 बीजेपी के विधायक चुनकर के आए हैं, दो निर्दलीय विधायक वो भी हमारी पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं, 46 हमारे प्रोफेशनल जिस तरह सपोर्ट की विधानसभा केंद्र है। और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय था चुनाव से पहले, एक प्रशासन के प्रति, पुलिस प्रशासन के खिलाफ विशेष तौर से एक अविश्वास के एक वातावरण, एक माहौल बना था, क्योंकि घटनाएं ऐसी हुई। गुड़िया एक बहुत बड़ी, मतलब ऐसी घटना हिमाचल प्रदेश के लिए थी, देवभूमि के नाम से जो हिमाचल जाना जाता है, पहचाना जाता है देश दुनिया में, तो हमारे लिए माथे पर कलम था। सरकार बनने के पश्चात हमने तुरंत यह किया कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, तो एक तो पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास फिर से बहाल हो, उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। और शुरू के इसमें हमने दो घटनाएं जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, एक गुड़िया बलित हत्याकांड वाली घटना हुई थी, और गुड़िया के साथ एक और घटना हुई थी, एक होशियार एक फॉरेस्ट गार्ड की घटना हुई थी, जो 22 साल की 23 साल की उम्र में जो है वो फॉरेस्ट गार्ड लगे थे, और नौकरी लगने के बाद 3 महीने के बाद उनकी हत्या हुई। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने कहा कि हम कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें। तो इसलिए हमने 1 महीने का कार्यकाल हमारा भी पूरा हुआ था, 1 महीने के कार्यकाल में हमने 3 चीजें हिमाचल प्रदेश में अपनी कमिटमेंट के मुताबिक हमने वहां पर की। नंबर 1, एक गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे हिमाचल प्रदेश में एक होशियार हेल्पलाइन, होशियार हेल्पलाइन जो है वो जो क्राइम को रोकने के लिए, जिस तरह से ये जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहे थे, ये चाहे नशे से संबंधित है, चाहे वो माफिया राज, जैसे वन माफिया हो गए, जो खनन माफिया हो गए, इस प्रकार के जो माफिया राज को कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए होशियार हेल्पलाइन, गुड़िया हेल्पलाइन का मैंने जिक्र किया, जो हमारी बेटियों पर, महिलाओं पर, जो खासतौर से जो इस प्रकार के इस तरह की घटना हो रही थी उनको रोकने की दृष्टि से। और उसके साथ साथ में एक और जो है हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट का चुनाव के दिनों में हमारा हिस्सा था, एक शक्ति बटन का हमने जिक्र किया था, एक मोबाइल ऐप हमने बनाई हिमाचल प्रदेश में, और उसके अंतर्गत जो है वो उस ऐप को अगर आप एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड करेंगे शक्ति बटन के नाम से, तो उस दृष्टि से प्लीज थोड़ा सा, तो उसमें शक्ति ऐप, उसमें हमने एक चीज हमने तय की है उसमें, कि उसको अगर कोई भी महिला अपने मोबाइल पर डाउनलोड करती है, कहीं भी संकट की घड़ी में आवश्यकता रहेगी, उस बटन को दबाने से सीधा अलर्ट पुलिस हेडक्वार्टर पर जाएगा, और वहां के बाद जो उसके बाद सीधे पुलिस कार्यवाही की दृष्टि से उसमें लोकेशन का भी पता लग जाएगा, मोर और लेस कहां ये घटना घटित हुई है। तो इसलिए इस प्रकार से हमने शुरुआत की, और हिमाचल प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड, ये शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की, नए नए इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में, और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। जैसे एक हमारा खास तौर से जो हमारे विचार परिवार का भी विषय था, हमारा अपना पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो गौ वंश है, जो सड़कों पर, चौराहे पर ऐसा मिलता है, तो उस दृष्टि से उनको जो है हिमाचल प्रदेश में हमने नया जो है वो आयोग बना करके अब के इस बजट में प्रावधान किया, और उसमें हमें एक चीज और जोड़ी है, जो हमारे मंदिर है, ट्रस्ट है, वहां से उसकी इनकम का जो है 15% पैसा जो है वो गौ समर्थन की दृष्टि से उसमें हम डालेंगे। और उसमें और भी हमने एक चीज और की है, और उसमें ऐड और भी हमने चीज की, एक्साइज में भी जो हमने उसको जोड़ने की कोशिश की, और एक बोतल पर गौ ग्रास के रूप में 1 रुपए, वो भी जो है वो उस
गौ संवर्धन के लिए, गौ की रक्षा के लिए जो है उसमें जाएंगे। छोटे छोटे इनिशिएटिव हमने लिए और युवाओं से संबंधित बहुत सारे और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रमोट करने की दृष्टि से, रोजगार की सृजन की दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं शुरू की। और दूसरे साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंटरनेशनल नॉन डेस्टिनेशन है, लेकिन हमारा कन्फाइंड हो गया था हिमाचल शिमला मनाली कुल्लू डलहौजी कुछ स्थानों पर ही। इसके अलावा हमने नई योजना हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की, जो नई राहें नई मंजिलें करके जो है शुरुआत की है, और उसमें बजट प्रोविजन हमने किए हैं, और उसमें जो नई वर्जिन डेस्टिनेशन है टूरिज्म की दृष्टि से वहाँ हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा वक्त उनमें लगेगा। विद्रोह में आपके बीच में इतने कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग से हमारा मुलाकात का ये अवसर जो है मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मिलना नहीं हो पाया था, आज मिलना हो गया, और उसके बाद आपके मन में कुछ बातें होंगी उनका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेरी मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात से कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए आप लोगों से मिलना था। चंडीगढ़ में हमारा भी हिस्सा है और इस हिस्से के मुताबिक हमारा ये क्लेम बढ़ता है, और ये इस बात को लेकर के हम आपके हमने कहा कि हम उस बात का भी जिक्र करते हुए कि भाई ये चंडीगढ़ में पंजाब वाले आपसे मिलकर जाएं, हरियाणा वाले मिलकर के जाएं, रोजाना मिलकर के जाएं, हम ना मिले ये संभव नहीं है। मैंने कहा उस हिस्से के मुताबिक हम भी आप लोग उससे अपना मांगते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।